फराह खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी डांस कोरियोग्राफर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर हैं, जिन्हें हम बेसिकली बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए जानते हैं। और इन्हें डांस कोरियोग्राफ में काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल है और इन्होंने डायरेक्टर के तौर पर भी कई बेहतरीन मूवीज़ की हैं। तो आज हम इस वीडियो में फराह खान की एज ए डायरेक्टर के तौर पर की गई मूवीज़ का हिट और फ्लॉप जानेंगे, इनका बॉक्स ऑफिस एनालिसिस करेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 1, मैं हूं ना। इस मूवी का डायरेक्शन किया फराह खान ने। मूवी में शाहरुख खान, सुनील शेट्टी, सुष्मिता सेन हमें दिखाई दी। यह मूवी 2004 में बॉक्स ऑफिस फ्लोर पर रिलीज हुई और इस मूवी को IMDb पर 7 की रेटिंग प्राप्त हुई। इस मूवी का बजट था 40 करोड़ और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 87 करोड़ का और कलेक्शन के हिसाब से मैं एक हिट फिल्म साबित हुई। बाद में इसका तमिल में रीमेक भी किया गया। नंबर 2, ओम शांति ओम। यह एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। मूवी का डायरेक्शन किया फराह खान ने। मूवी में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और अर्जुन रामपाल दिखाई दिए। मूवी 2007 में रिलीज हुई और 6.7 की IMDb रेटिंग प्राप्त हुई थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कलेक्शन किया और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। नंबर 3, तीस मार खान। इस मूवी का भी डायरेक्शन किया फराह खान ने। मूवी में अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ और अक्षय खन्ना दिखाई दिए। मूवी 2010 में रिलीज हुई और इसे 6.8 की IMDb रेटिंग प्राप्त हुई। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कलेक्शन किया और यह एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई। नंबर 4, हैप्पी न्यू ईयर। इस मूवी का डायरेक्शन भी किया फराह खान ने। मूवी में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सोनू सूद, बोमन ईरानी और अभिषेक बच्चन दिखाई दिए। मूवी 2014 में रिलीज हुई, 5 की IMDb रेटिंग प्राप्त हुई। मूवी का बजट था 100 करोड़ और कलेक्शन रहा 402 करोड़ और कलेक्शन के हिसाब से यह एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। और इसी के साथ ही हैप्पी न्यू ईयर फराह खान के डायरेक्शन में बनी अब तक की लास्ट मूवी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम मिलते हैं जल्दी आपको एक और बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।